एवरीवन, आज आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। हेल्पिंग हैंड का मकसद है कि लोगों तक अवेयरनेस फैला के। इधर एक स्टोरी का जो मेन मकसद है वो ये है कि लोगों तक अवेयरनेस जो फैलानी है वो हम अपने बच्चों की कैसे तरबियत कर सकते हैं। इधर एक स्टोरी ऐसी है कि जहाँ दो फैमिली हैं, एक बहुत अपर क्लास फैमिली है, एक मिडिल क्लास फैमिली है, जो एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक मिडिल क्लास जो फैमिली है उनके बच्चे अपने स्टडी को लेकर बहुत सिंसियर थे, और जो अप क्लास के बच्चे हैं वो कुछ टाइम तक अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन जैसे उनकी गैदरिंग हुई अपने से बड़ी एज के लड़कों और लड़कियों के साथ, जो कि 12th क्लास के बच्चे थे और बच्चियां थीं, और उनका बैठना बच्चों के साथ हुआ ऐसे बच्चों का जिनकी गैदरिंग अच्छी नहीं थी। वो ड्रग्स लेते थे, वो शराब नोशी करते थे, और बुरी बुरी आदत थी उनकी। और ऐसा है कि जो मिडिल क्लास की बच्ची थी उसने उनकी मुलाकात हुई उसके वालदैन से, जो अप क्लास की बच्चियां थी। उन्होंने उससे पूछा कि बच्चे बेटा ऐसा है कि हमारे बच्ची का जो मार्क्स है वो कम आ रहे हैं, ऐसा क्यों है, वो स्टडी में अब अच्छे मार्क्स नहीं ले पा रही। तो वो बच्ची ने बताया कि अंकल ऐसा है कि जो आपकी बेटी है कि उनका अब जो बैठना उठना है वो अच्छे लोगों में नहीं है, अपने से बड़ी एज के बच्चियों के साथ बैठना उठना है और वो अच्छी गैदरिंग नहीं है उनकी। तो उनके जो पापा थे मामा थे इस बात से बहुत परेशान हुए कि अब हम क्या करें। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने बच्चों से पूछें कि ये क्या माजरा है सारा। उन्होंने अपनी बच्चियों से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया अपने से बड़े बच्चों को, से आपकी जो गैदरिंग है वो गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बोला हम ऐसा नहीं करते। तो उनके पेरेंट्स ने बोला बेटा वो तुम नहीं मान रहे, आप ऐसा कि जब वो कहीं ऐसे गैदरिंग में हो आप एक पिक्चर हमें सेंड कीजिएगा। तो वो बच्ची ने ऐसे किया कि वो बच्ची चाहती थी कि मेरी जो फ्रेंड है वो किसी ऐसी गैदरिंग में ना जाए कि जिसमें उसका फ्यूचर तबाह हो। तो वो बच्ची अपनी फ्रेंड को बचाना चाहती थी कि वो गलत गैदरिंग में ना जाए। उस बच्ची ने ऐसा किया कि पिक्चर ली, जब वो अपनी गैदरिंग में थे नशे में धुत थे, उसे पिक्चर ली, उसके पापा को सेंड कर दी, और उनके पापा ने उसे बताया कि आप ये गलत काम करते हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इधर सोचने वाली बात यह है कि उसने तो अपनी फ्रेंड्स का भला चाहा, लेकिन उसके पापा से जो अपर क्लास की फैमिली थी उनसे एक मिस्टेक हो गई। उन्होंने ये जब उस बच्चियों को ये सब कुछ बताया तो उन्होंने ये भी बताया कि आपकी ये फलां फ्रेंड ने हमारे साथ ये बात शेयर की है। अब जो बच्चियां थी अप क्लास की फैमिली की बच्चियां थी उनको बड़ा गुस्सा है इस बात करके, हमारी कंप्लेन हुई, हमारे मामा पापा ने हमें डांटा है, इस पर टॉर्चर किया है। तो उन्होंने सोचा कि हम इस बच्ची से बदला लेंगे। तो उन्होंने ये क्या किया कि उसके पास गए स्कूल में, जब वो बच्चे सब आए तो अपने वो दूसरी फ्रेंड्स के साथ मिल, जैसे वो रूटीन में अपनी क्लास में गए तो उन्होंने उस बच्ची को मारा पीटा, उसे बुरा भला कहा कि आपने हमारी शिकायत की है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि वो बच्चियों को समझना चाहिए था कि वो अपनी फ्रेंड्स को बुरी आदत में नहीं पढ़ना देना चाहते। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है सब वालदैन से कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें, और ख़ास करके ये कि उनके बच्चे उठते बैठते क्या कर रहे हैं, किस गैदरिंग में जा रहे हैं, और अपने बच्चों के मोबाइल यूज़ पे और अपने बच्चों के बाहर आने जाने पे फ्रेंड सर्कल पर ख़ास करके ध्यान रखें। मेरी बड़ी गुजारिश अपने सब बहन भाइयों से, व्यूवर से, कि अपने बच्चों का बहुत से ख्याल रखें। खुदा आप सबके साथ हो।